नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आपका। खबर मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पर आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन व एंटी करप्शन संगठन के साथ साथ सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह सहित पुलिस फोर्स द्वारा दर्जनों युवाओं ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए पचेड़ा गांव निवासी शहीद विकास सिंगल को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। वहीं युवाओं ने बताया कि हमें बड़ा दुख है कि मुजफ्फरनगर का लाल नक्सली हमले में शहीद हुआ है, लेकिन साथ ही हमें गर्व है, हम युवाओं के लिए प्रेरणा बने शहीद विकास सिंगल नक्सली हमले में देश की सेवा करते शहीद हुए। हम चाहते हैं कि नगर के अंदर किसी भी चौराहे पर शहीद विकास सिंगल की मूर्ति लगे और चौराहे का नामकरण शहीद विकास सिंगल के नाम पर रखा जाए। हमारी सरकार और प्रशासन से मांग है कि हमारी इस मांग को गहनता से विचार करके शहीद विकास सिंगल के नाम पर मूर्ति स्थापित की जाए। श्रद्धांजलि देने में दर्जनों युवक मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। आपका नाम विश्वदीप गोयल। विश्वदीप, क्या कार्यक्रम आज ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमेटी की ओर से छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जो कमांडेंट विकास सिंगल शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में एक श्रद्धांजलि हमने शिव चौक पर मोमबत्ती जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर दी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे हमारे वीर विकास सिंगल जी शहीद हुए हैं, हम उनकी यादों को संजोने के लिए चाहते हैं कि चौराहे पर, किसी भी नगर के चौराहे पर उनके नाम से चौराहा बनाया जाए और उनकी मूर्ति वहां पर स्थापित की जाए।